दादा सबसे पहले तो ये बताइए कि म्यूज़िक डायरेक्ट म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करने के बाद अब आप मिशन कश्मीर के कुछ आपने गाने डायरेक्ट करे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेरी डिफरेंट, वेरी बहुत बहुत बड़ा स्केल में सब कुछ होता है वहाँ पे जी, और 35 mm से 70 mm. वो उसका कुछ खास नहीं, पर्दे पे देखते हैं और ये वी आर थिंकिंग अबाउट स्मॉल स्क्रीन हियर जी. तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखा, बहुत बहुत कुछ सीखा विदु जी से, इतना ज़्यादा सीखने को मिला कि उसका कोई अंत नहीं है. आई मीन एवरी टाइम आई वॉज डूइंग समथिंग इज टेलिंग मी ए इतना हिलाएगा ना कैमरा, पूरा हिल जाएगा स्क्रीन. आई मीन दैट इज अ लर्निंग ट्रिमेंडस. Those things are there. I mean, you learn so much in this medium. There's so much to learn that every time you see something, it's learning. प्रदीप, विधु विनोद चोपड़ा ये काम पहले भी कर चुके हैं कि अपनी फिल्मों के गाने में कई बार दूसरे लोगों से डायरेक्ट करवाते हैं. जैसे 1942 और लव स्टोरी के कुछ गाने उन्होंने संजय लीला भंसाली से करवाए थे. अब वो खुद एक डायरेक्टर हैं और उसके बाद कोई और जब उनके लिए काम करता है तो उनका कितना इंटरफेरेंस होता है? इंटरफेरेंस की बात ऐसा है कि इट्स हिज स्टोरी, इट्स हिज बेबी जी, राइट. He is taking a little bit of input from us, like for me, took a little bit of input in a song to figure out how a thing can be seen. I think it's a fantastic way of seeing things differently. I don't know how many people can do it. I mean, it's such a big step to take. Mm-hmm. But this is, ye leke ek, I mean, it, his interference is to the point where to tell me, ke this is the story, don't go beyond, don't go away from the story. जी, दैट्स ऑल. एंड दैट इज नॉट इंटरफेरेंस, दैट्स गाइडेंस. ओके, एब्सोल्युटली. दादा, इतने बड़े स्टार्स ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा के साथ करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिसिप्लिन इतना ज्यादा है, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल. मोस्ट प्रोबब्ली बिकॉज़ इट इज विद, आई मीन विद विनोद चोपड़ा के सेट में है, इसलिए ज्यादा शायद और ज्यादा होगा. क्योंकि इट्स ट्रेमेंडस डिसिप्लिन. आई मीन ऋतिक इज extremely disciplined person. I mean, it's unbelievable, and he's, I think he's also God-fearing tremendously, and he's very, you know, he picks up little points and keeps on thinking about it, keeps on at it, you know, just to figure out ke ye theek ho raha hai. And I think his, since he's, I think he's in, he had been, I mean, itna zyada unhone kaam kar chuka hai in filmon mein, feature film mein unke pitaji ke sath, ke he, inko pata hai ke is कट के बाद कौन सा कट आने में दिक्कत होगी या नहीं होगी जी, एकदम आके पॉइंट करते थे, ये देखो, ये फिर से देखिए, ठीक है जी. इट्स फैंटास्टिक. आई मीन ये स्टार इज अ डिफरेंट थिंग. आई थिंक फर्स्ट इज अ फैंटास्टिक पर्सन. हमारे ऋतिक के फैंस ये सुन के बहुत खुश होने वाले और प्रीति जिंटा का कैसे कंट्रीब्यूशन? वेरी नाइस पर्सन, दे आर वेरी गुड पीपल. इतना बढ़िया पर्सन है, इतना बातचीत में इतना मजा, इतना हंसी. एंड यू वोंट बिलीव इट, एक मैंने 6 बजे तक कहीं काम करके सुबह तक 11 बजे सेट में वापस दूसरे एक सेट में आ जाना और फुल फोर्स में काम करना, ये बहुत मायने रखता है. अच्छा प्रदीप, इन गानों में आपके साथ सरोज खान भी थी जी, तो एक फॉर्मली एक कोरियोग्राफर के साथ करने का काम करने का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? एक खासतौर पर हमें ये बताइए कि इतने सारे डांसर्स के साथ काम करने का कोरस में जो है वो कैसा तजुर्बा रहा? सरोज जी से काम करने का तो मुझे पहली बार तो इट वॉज मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था. सेकेंडली जो पहला सॉन्ग मैंने जो डायरेक्शन किया था उसमें दिस द वंडर, अभी जो इसका प्रोमो चल रहा है बुमरो, उसमें दैट इज़ द वन दैट मैंने सरोज जी के साथ काम किया. एंड उस एंड दूसरे जो दो गाने में मैंने जो काम किया उसमें जो कोरियोग्राफर हैं वो बॉस्को एंड सीज़र. पर सरोज जी के साथ काम करने में जो एक चीज़ मैंने देखा और सीखा, सीखने वाली बात है, इट इज़ मैंने स्टोरी बोर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ. ये कट इसके बाद ये पूरा ड्रॉ कर, क्योंकि मुझे ड्राइंग आता है. अच्छा. एक चीज़ आता है मुझे, वो ड्राइंग, वो उससे मैं मुझे पता चल जाता है, और जो जिसके साथ मैं करता हूँ काम उसको भी पता चल जाता है. कैमरामैन को दिखा देता हूँ, डायरेक्टर जो है जो अभी इनके साथ दिखा देता हूँ, क्लाइंट्स के साथ सबके साथ पूरा पूरा दिखा के समझा के चलिए ये है, ठीक है ना. इसके बाद जो मैंने सरोज जी को दिखा है, बिलीव इट और नॉट, इन हर माइंड शी हैज गॉट द सेम थिंग. अच्छा प्रदीप, बात करते हैं आपके म्यूजिक वीडियो की. लेटेस्ट पिया बसंती, उसका जब वो गाना खत्म होता है तो लिख के आता है एंड ऑफ पार्ट 1. इतनी ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी है कि अब आगे क्या होने जा रहा है,
तो ये जो एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी है, ये बड़ा सोच समझ के डाला गया था कि लोग आगे भी उसी तरह ट्यून्ड रहे, देखते रहे। एक्चुअली स्टोरी एक बार ही लिखा गया था एंड इट वाज डन, हम लोगों को ऑफिस में किया गया था। इट केम आउट फ्रॉम अ कॉपीराइटर ऑफ आर्स हुज नेम निशांत करके, वो उसने लिखा था। देन व्हाइल डूइंग इट वी रियलाइज एक पार्ट में ये कहानी बोलने वाला नहीं है, यू नो, एंड वी स्टार्टेड डेवलपिंग इट मोर एंड मोर एंड वी रियलाइज कि एक बारी में कभी हो ही नहीं सकता, कोई इतना बड़ा वीडियो तो होगा ही नहीं कोई लेगा करके, नोबडी इज गोइंग टू रियली टेक इट। परहैप्स आई थिंक वन ऑफ द चैनल्स गोइंग टू प्ले इट एज अ होल, उसका भी एक एडिट है, फुल स्टोरी, पर अभी तक हुआ नहीं है। एंड एज इट इज इतना कम टाइम देते हैं कहानी बोलने में, चक्कर ये हो गया मैं जरा कहानी बोलने लगता हूँ, उस चक्कर में फंस गया था तो कहानी बोलने के उसमें मुझे कट करने पड़ा, क्योंकि इससे ज़्यादा लिया नहीं जा सकता। कि जितने भी म्यूजिक वीडियोस रहे हैं, चाहे वो आपके सावन हो, धूम हो, मायरी हो, कोई भी हो, और अभी पिया बसंती, स्टोरी लाइन जो उसकी होती है एक बहुत सशक्त स्टोरी लाइन होती है, आपका हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है, तो क्या चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं स्टोरी डिसाइड करते वक्त? मैं इट्स वेरी सिंपल, गाना सुनते हैं बस, बिलीव इट। आप कोई भी ले लो, आप मायरी ले लो या आपके सावन ले लो, मैं थोड़ा ही कुछ बोल रहा हूँ, वो तो जो वहाँ पे लिखा गया है जी, मैं वो दोहराता हूँ इन विजुअल टर्म्स। जब प्रसून जोशी ने लिखा आपके सावन, उसमें मैंने थोड़ा ही कुछ कहा, ही हैज रिटन इट, ही हैज डिस्क्राइब्ड द थिंग, आई विजुअली ट्रीटेड इट। सेम इज द केस विद मायरी, पोलाश हैज रिटन द थिंग, जयदीप हैज रिटन द थिंग, आई मीन प्लस म्यूजिक, लुक एट द म्यूजिक, इट्स गोज डम 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 डम, आई डिड, आई बीन टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी, इट्स लाइक अ ट्रेन। And that's why the journey. के बीच में सबसे ज़्यादा tough या challenging video कौन सा लगा? भूपेन हज़ारिका का गंगा। अच्छा। ऐसा क्यों प्रदीप? गाना सुनिए और एक-एक line describe करने में हालत ख़राब हो जाती है। Very tough. बहुत ही ज़्यादा tough था. And since I knew this song as a Bengali, वो बहुत पुराना, बहुत अरसे की, it's a revolutionary song. और आप satisfied थे अपने end product से? आपको लगता है कि जो storytelling वाली चीज़ थी? Storytelling है, पर मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि लोगों ने समझा के नहीं, that is the main thing, you know. Some of the channels are asking me to cut the गाना। अच्छा। आधा थोड़ा, क्योंकि टाइम नहीं है जी। ये एक anthem है, ये एक अंदर की बात है, कवि की कल्पना है जी। अब कवि की कल्पना को कैसे काटोगे, मुझे तो समझ में नहीं आता, काटना नहीं चाहिए जी। मैंने एक कट दिया है उन लोगों को, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का हटा के, एक भी स्टैंजा मैंने काटा नहीं, पर थोड़ा इधर उधर हटा के फिर दिया है। पर इसमें ना, दैट्स अ मेन थिंग, पीपल आर सीइंग म्यूजिक वीडियोस एज ओनली एंटरटेनमेंट, बियॉन्ड दैट और कुछ सोच नहीं रहे हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि म्यूजिक वीडियोज आए कहाँ से जी? वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे डा ये ना करके कुछ कर देते हैं जस्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पे why we Indians are Indians, because we love sitting down, relaxing and thinking and getting into the depth, that's why we are Indians. उसी को यदि ना देखा जाए, उसी को यदि ना छेड़ा जाए, तो क्या रहा? जी बिल्कुल प्रदीप। प्रदीप आपने 3 फिल्म के गाने डायरेक्ट करे, अब आगे फिल्म भी डायरेक्ट करने का प्लान है? एकदम, आई मीन लाइक आई एम डाइंग टू। वैसे भी देखिए, मेरा मेन चीज है एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग के एडवर्टाइजिंग के थ्रू से मैंने फिल्म में आया जी। उससे एक चीज, मेरा डिसिप्लिन मुझे पता है कि 30 सेकंड में, 60 सेकंड में, 40 सेकंड में मुझे एक पूरा कहानी बोलने पड़ता है जी। और मुझे एक एक फ्रेम का, एक एक सेकंड का कितना कॉस्ट है मुझे पता रहता है। सो मुझे, इफ आई मेक अ फिल्म व्हिच आई एम गोइंग टू, आई मीन इफ आई डोंट डाई सडनली, आई विल बी डूइंग, आई बी वेरी कॉन्शियस ऑफ नॉट वेस्टिंग, कोई वेस्ट ना हो एक भी फ्रेम जी। एक एक फ्रेम में मुझे कुछ बोलना है। तो कोई स्टोरी लाइन या कोई थीम है दिमाग में? सोच रहा हूँ। और स्टार का? स्टार का नहीं सोचा अभी तक। इट इज नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट सो मच ऑन द स्टार, बट इट विल, वी विल बी टेकिंग, आई मीन गोइंग इनटू द स्टार सिस्टम, आई मीन इन द सेंस टेकिंग इट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, आई मीन अभी से हम, मैं क्या बता सकता हूँ, इट इज डिपेंड्स अपॉन जी। प्रदीप आप सुबह सवेरे हमारी बैठक में आए और इनसे, हमसे इतनी सारी बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रदीप।